कॉमेडी टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने हाल ही में अपने 14 साल पूरे कर लिए हैं। ये टीवी सीरियल साल 2008 से प्रसारित हो रहा है और आज भी दर्शकों का हॉट फेवरेट है। इस टीवी सीरियल में एक से बढ़कर एक स्टार्स नजर आते हैं, जिसमें जेठालाल बने दिलीप जोशी से लेकर बापूजी बने अमित भट्ट और बबीता जी बने मुनमुन दत्ता तक शामिल है। इन 14 सालों में इस टीवी सीरियल ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस दौरान कई स्टार्स इस सीरियल का हिस्सा बने, वहीं कई इस सीरियल को छोड़ गए। हालांकि एक ऐसा किरदार है जिसके सीरियल छोड़ने के बाद से अब तक उसके किरदार की भरपाई कोई नहीं कर सका है। हम बात कर रहे हैं इस टीवी सीरियल में दया बहन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दिशा वकानी की, जो अब सीरियल का हिस्सा नहीं है। दिशा ने साल 2017 में ये मैटरनिटी लीव पर जाने के दौरान शो छोड़ दिया था। हालांकि मेकर्स द्वारा कई मर्तबा अप्रोच करने के बाद भी एक्ट्रेस ने इस शो में वापसी नहीं की थी। इस बीच कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि दिशा ने सीरियल में कमबैक करने के लिए कुछ शर्तें सामने रखी थी। इन शर्तों में से एक थी कि वो प्रति एपिसोड का 1.5 लाख रुपए चार्ज करेंगी। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शर्त ये भी थी कि दिशा दिन भर में महज कुछ घंटे ही शूटिंग को देंगी। वहीं एक्ट्रेस की आखिरी शर्त ये थी कि उनके बच्चे के लिए सेट पर ही एक नर्सरी भी बने। बहरहाल खबरों की माने तो दिशा वकानी के अब इस सीरियल में वापसी करने के चांसेस ना के बराबर ही हैं।